नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ है और सदन की कार्यवाही के दौरान निर्दलीय विधायक के रूप में जीत कराए शंकर सिंह रुपौली से उपचुनाव में वो जीत कराए हैं। शंकर सिंह, उन्होंने शपथ ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार के पाँव छुए हैं, आशीर्वाद लिया है सदन के भीतर। शंकर सिंह ने नीतीश कुमार के पाँव छुए हैं, पहले शपथ ली है। विधायक बनने के बाद नवनिर्वाचित विधायक थे, उन्हें शपथ दिलाई है। नंदकिशोर यादव, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने और शंकर सिंह ने फिर शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पांव छुए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है। एक तरफ जहां विपक्षी खेमा हंगामा कर रहा है बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर, वहीं शंकर सिंह ने आज सदन के पहले ही दिन, जो कि नियम के अनुसार शंकर सिंह ने शपथ ली है। अब वो बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं और उन्होंने अपना विधायक बनने का जो शपथ है वो भी ले लिया है। विधायक बनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है। शपथ लेने के बाद अब विधायक के रूप में बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। शंकर सिंह ने शपथ ली है, नीतीश कुमार के पांव छुए हैं, ये उनका संस्कार है। विपक्ष के लोगों से भी हाथ मिलाया है शंकर सिंह ने। सदन पहुँचे थे, सदन की कार्यवाही के दौरान जो वीडियो निकल के आई है शपथ ग्रहण की, आपको दिखाते हैं। पढ़िए, आपके पास है ना। मैं शंकर सिंह, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आगे यहां दस्तखत कर लीजिए। तो बिहार विधानसभा के सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे शंकर सिंह ने शपथ ली है सदन के पहले दिन, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर पांव छू का आशीर्वाद लिए हैं। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की थी। एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर जाकर, जहां पर संजय सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं जो उन्हें साथ ले गए थे। इसके अलावा अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री, वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा मनीष वर्मा, जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो वहाँ मौजूद थे। शंकर सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, उन्हें विकास पुरुष बताया था कल ही हमसे खास बातचीत के दौरान, और कहा था कि नीतीश कुमार के विकास के साथ हैं। शंकर सिंह एनडीए के साथ हैं, शपथ ले ली है। बिहार विधानसभा में पहुंचने के बाद विपक्ष नेताओं का हंगामा भी जारी है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।